वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशस एरीज कैसे हैं आप सभी एरीज़ आर रही डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे और जितना लेट आपकी रीडिंग के लिए हो गया है इट्स सो अनफेयर टू यू एंड आई टोटली गेट इट ओके सो आई एम सॉरी इतने दिनों बाद आपकी रीडिंग आ रही है बट अब क्योंकि रीडिंग आ चुकी है और हम यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं और uh, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम ऐसे मैसेजेस लें जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन बेस्ड हों एक्चुअली इस रीडिंग में मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ जो बातें यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं और uh, आप एकदम सेफ़ हैं यहाँ पे ये यह आपकी सेफ़ स्पेस है डोंट वरी अबाउट अ थिंग किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिए जस्ट बैक एंड इन्जॉय योर मैसेजेस और uh, इस रीडिंग में बेसिकली हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं और गाइडेंस देखने वाले हैं बट कोई भी प्रिडिक्शन अधूरी है गाइडेंस के बिना तो हर एक कार्ड जो आपको आपके प्रिडिक्शन बताने के लिए आता है वो अपने साथ में कुछ गाइडेंस भी लेके आता है दिस इज़ द नेचर ऑफ़ एनर्जी रीडिंग और टैरो रीडिंग्स और उतना ही खुद पर लीजिएगा जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं I can assure you कि आप सभी को इस रीडिंग से वैल्यू मिलेगी But at the same time हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो चीज़ें हमें हमसे कनेक्टेड नहीं लग रही हैं उसको छोड़ दें और बाकी की चीज़ों को खुद पर लें एक और चीज़ आप कर सकते हो अगर आप पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हो इन सारी रीडिंग्स से तो कि रीडिंग में अगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं तो इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कहीं पे आ, लिख लीजिए यू नो जस्ट राइट इट डाउन सो दैट के पूरे महीने में कहीं भी आप ख़ुद को स्टक महसूस कर रहे हो थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो तो आपको समझ में आए कि ये प्रडिक्शन आई थी मेरे लिए या फिर ये गाइडेंस आई थी और आ, दिस इज़ हाउ इट इज़ बस देख के छोड़ देना भी सही है क्योंकि जब आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो आपके और मेरे बीच में या फिर आपके और यूनिवर्स के बीच में एक एनर्जी एक्सचेंज होता है जो आपके लिए भी हीलिंग है और मेरे लिए भी हीलिंग है तो इवन दो अगर आप देख के सिर्फ छोड़ रहे हो तो भी इन सम वे ये रीडिंग्स आपको हेल्प करेंगी लाइफ में पॉजिटिव साइड में जाने के लिए बट देन अगर आप और ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हो तो इट्स ऑलवेज गुड टू राइट इट डाउन यू नो कि क्या पॉइंट्स आए हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले टेन ऑफ समर्स की एनर्जी है टेन ऑफ समर्स की एनर्जी अभी हम आपकी अक्टूबर um, में जितने भी दिन बचे हुए हैं उसकी हाईलाइट्स देख रहे हैं तो सबसे पहले जो कार्ड है वो टेन ऑफ समर्स आए टेन ऑफ समर्स इज कार्ड जो कि आपको बताता है कि आपको अक्टूबर में किसी टाइप की इमोशनल सेफ्टी मिलेगी इमोशनल सेफ्टी क्या होती है मतलब कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है या फिर मल्टीपल लोग हैं आपकी फ़ैमिली या फ्रेंड्स या फिर आपका पार्टनर या फिर यूनिवर्स आपके गार्जियन एंजल्स आपके डेटीज़ यू नो एंड कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी लाइफ में जो आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ़ फील करवाती है वो है आपके लिए वो एनर्जी आपकी केयर कर रही है वो एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है वो एनर्जी आपको इमोशनली अच्छा फील कर आ रही है तो ये आपके कार्ड्स में है तो आपके कार्ड्स में है कि कोई लविंग फैमिली है फ्रेंड्स हैं यूनिवर्स हैं कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी हैं जो आपको अच्छा फील कराएगी आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में अच्छे लोग हैं तो ये एक बहुत ही सुंदर सी एनर्जी है टेन ऑफ समर्स की टेन ऑफ समर्स कई बार फैमिली में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होना या फिर एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना या फिर अच्छे फ्रेंड्स होना भी रिप्रजेंट करता है तो ये चीज़ आप फॉर श्योर एक्सपीरियंस करोगे अक्टूबर में जहाँ पर आप सेफ़ फील करोगे आप हर्ड फील करोगे कोई है जो आपकी केयर कर रहा है और इमोशनल सेटिसफाइट एक्शन आपको मिल रहा है आप में से काफी सारे लोग अपने बच्चों पे काफी ज्यादा ध्यान देने वाले हैं इफ़ यू आर मैरिड एंड इफ यू हैव किड्स तो यहाँ पे आपके बच्चों के साथ में एक बहुत ही अच्छा सा कनेक्शन um, बनता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ काफी ज़्यादा अपने किड्स के रिवॉल्व uh, uh, आगे पीछे होते हुए दिख रही है विच इज़ अ नाइस थिंग एंड यस yes, उसके बाद में यहाँ पे रीनील का कार्ड है का कार्ड मैं आपकी रीडिंग बनाने से पहले सोच ही रही थी कि अभी एक एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा एक पीरियड चल रहा है जहाँ पे कुछ साइंस के बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं और शुरू भी हो गए होंगे आई एम श्योर एरीज़ आप उनमें से एक साइन है और अपना और भी यू नो डज़ेंट मैटर ये जो एस्ट्रोलॉजिकली पीरियड चल रहा है जो फेज चल रहा है यहाँ पे अगले दो तीन महीने में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हम सबकी लाइफ में होने वाले हैं और इस चीज़ को आपने काफ़ी पहले से ही एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया होगा जब भी कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये सिर्फ़ एक महीने की बात नहीं होती है एक दिन की बात नहीं होती है ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो काफ़ी समय से वेट कर रहा था आपकी लाइफ में आने के लिए एंड फाइनली वो ट्रांसफॉर्मेशन रिन्यूअल मतलब लाइफ रिन्यू हो रही है कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है कोई साइकिल रिन्यू हो रही है आपकी लाइफ में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो कुछ बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से या तो आप ऑलरेडी गुजर रहे हो या फिर गुजर सकते हो जो अल्टीमेटली आपके बेनिफिट के लिए होगा अभी यहाँ पे क्या लिखा है रिव्यू द पास्ट एंड प्रेजेंट सो यू कैन प्लान अ ब्राइट न्यू फ्यूचर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है कमिंग मंथ्स में नॉट जस्ट अक्टूबर आपको कमिंग मंथ्स में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि आपने कौन से लेसन्स लर्न किए हैं आपने ज़िंदगी से क्या सीखा है और उन लेसन्स को आपको आ, अपनी लाइफ में अप्लाई करना है अपनी लाइफ का आपकी कई सारे लोगों को अपनी लाइफ का पर्पस मिलेगा अक्टूबर में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको लाइफ में क्या करना है और आप अपनी लाइफ को क्लेंस भी करेंगे रिन्यू मतलब समझ रहे हो कि लाइफ रिन्यू हो रही है तो जैसे कि लैपटॉप चला रहे हो आप वो लैपटॉप बार बार हैंग हो रहा है उस लैपटॉप में बक्स आ गए हैं तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि आप अपने लैपटॉप को क्लीन करो री करो और क्या बोलते हैं उसको कुछ और भी टर्म होता है उसके लिए आम, मुझे याद नहीं आ रहा है बूट करते हैं लैपटॉप को आई डोंट नो तो ऐसे ही आपकी लाइफ रिन्यू होता हुआ दिख रहे तो आप चेंजेस ये चेंजेस आप महसूस कर पाएंगे लाइफ के कई सारे एस्पेक्ट में जहाँ पे बड़े बदलाव हो रहे हैं जहाँ पे आपकी खुद की पर्सनालिटी में बदलाव हो रहे हैं यहाँ पे थ्री ऑफ ऑटम्स की एनर्जी अगेन एक बहुत ही प्यारा सा कार्ड आपके लिए थ्री ऑफ ऑटम्स का थ्री ऑफ ऑटम्स राइट अवे बता रहे हैं कि आप सब कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बिल्ट कर रहे हो अक्टूबर में कुछ बना रहे हो आप आ, कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हो और आ, आ, जो सबसे सुंदर बात अक्टूबर में है आ, थ्री ऑफ पेंटिकल थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को अगर मैं टिपिकल टैरो की लैंग्वेज में समझाऊँ तो थ्री ऑफ पेंटिकल इज़ एन एनर्जी जहाँ पे आप समझ लो कि आप एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है आपको एक बिल्डिंग बनानी है और उस बिल्डिंग की नींव रखना थ्री ऑफ पेंटिकल होता है और सबसे खास बात थ्री ऑफ पेंटिकल की होती है कि आप के आसपास लोग हैं जो इस लाइफ को बिल्ड करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहे हैं तो फॉर्स है कि आप प्रैक्टिकली कोई प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करोगे कि आपको ना हेल्प मिल रही है कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपके पास में हेल्प भेज रहे हैं मे बी आपके पास एक कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान नहीं है जो आपकी हेल्प करे बट कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके आपकी मदद कर रहा है और ये मदद आपको काफ़ी सारे डायरेक्शन से मिल रही है आप में से कुछ लोग हो सकता है ग्रुप प्रोजेक्ट करें आप में से कुछ लोग हो सकता है पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करें या फिर कोलाब्रेशन अच्छे हों जो आपको इस बिल्डिंग को खड़ी करने में आपकी हेल्प करें ये बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस है अब आ, मैंने इस कार्ड के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बताया है बट बत अगर हम एनर्जेटिकली इसको डिस्कस करें तो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी को बिल्ट करने की कोशिश कर रहे हो और वहाँ पे आपके गार्जियन एंजल्स यूनिवर्स यू you नो know, अगेन आइडेंटिटीज एंडसस्टर्स सब आपकी मदद कर रहे हैं तो एक ये भी फीलिंग हो सकती है कि आ, नहीं मैम मैं, मैं अकेली हूँ और मैं अकेले ही अपनी लाइफ में जो करना है वो कर रही हूँ तो इन दैट केस ऑल्सो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसे स्परिचुअल एनर्जीज़ हैं जो आपको सपोर्ट कर रही है तो यू आर नॉट अ तो आप कुछ बिल्ट करोगे यहाँ पे क्रिएटिविटी दिख रही है आप में से कुछ लोगों की कुछ लोगों के लिए पैशन Passion, पैशनेट दिख रहे हो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करने के लिए मोटिवेटेड दिख रहे हो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो इस चीज़ को करने के लिए तो ऐसे यू uh, नो you know, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है बहुत ही अच्छा टाइम आपके लिए दिख रहा है उसके बाद फोर्फ स्प्रिंग की एनर्जी है आपके लिए बहुत ही सुंदर से कार्ड्स आ रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू इसी यहाँ पे रिन्यूअल आया है यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल आया है ये अच्छा टाइम बताता है बट ये ये भी बताता है कि इस अच्छे टाइम के पहले हमने थोड़ा सफ़र भी किया है हमने डिफिकल्टीज भी देखी हैं थ्री ऑफ पेंटिकल एक बिल्डिंग आप खड़ी कर रहे हो नए सिरे से विच मीन्स के पहले जो आप You know, ये एक नई शुरुआत की तरह है रीन्यूवल भी नई शुरुआत की तरह है और नई शुरुआत तभी होती है जब कुछ पुरानी चीज़ों में गड़बड़ होती है तो हम स्क्रैच से अपनी लाइफ को शुरू करने की कोशिश करते हैं तो यस यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं आप में से कुछ लोग हो सकता है सरप्राइज भी हों कि आपकी रीडिंग पॉजिटिव आ रही है बिकज़ um, इन दोनों कार्ड्स को देख के आई कैन से कि आपने लाइफ में कुछ टफ़ टाइम देखा है बट दैट्स ओके लेट्स नॉट फोकस ऑन द पास्ट यहाँ पर फर्फ स्प्रिंग की एनर्जी है फोर ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी राइट अवे सेलिब्रेशन बताता है तो क्या ये सेलिब्रेशन कोई ऐसा सेलिब्रेशन है कि आपकी इंगेजमेंट हो रही है या आपकी शादी हो रही है या फिर आपको करियर में सक्सेस मिल रही है कोई जॉब लग रही है यू you नो know, कुछ बड़ा हो रहा है लाइफ में या फिर ये सेलिब्रेशन ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एंड यू आर हैप्पी फॉर देम यू नो ये सेलिब्रेशन वेकेशन पे जाना भी हो सकता है ये सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है बट यू आर सेलिब्रेटिंग योर लाइफ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीस और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में दिख रहा है आप ग्रेटफुल फील कर रहे हैं आप देखेंगे अक्टूबर में एक ऐसा पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में एरियज जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करोगे आप ऐसा फील करोगे थैंक यू सो मच यूनिवर्स मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ तो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भी है यहाँ पर और आप में से कुछ लोगों के लिए ये लिटरली जो हैप्पीनेस, जॉय और सेलिब्रेशन आ रहा है ये में भी हो सकता है उसके बाद हमारे पास में कार्ड है ऑफ पेंटिकल का तो यहाँ पे हमने थ्री ऑफ पेंटिकल देखा था एस ऑफ पेंटिकल देखा था एस ऑफ पेंटिकल एक अपॉर्चुनिटी होती है एक हेल्प होता है या फिर एक गिफ्ट होता है तो यहाँ पे हो सकता है कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट दे दें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सपोर्ट मिले किसी इंसान का या फिर आपके पास में कोई ऑफर आए कई सारे लोगों के लिए यह ऑफ़र मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड होगा मटीरियल आई एम फॉमली आई एम सॉरी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे कि um, um, कोई जॉब का ऑफ़र मिला पैसे कमाने का ऑफ़र मिला नए घर का ऑफ़र मिल रहा है कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो ऐसा कुछ हो होते हुए दिख रहा है और अगर आप कोई अभी आप एक ऐसे फेज में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे आप किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो किसी जॉब को एक्सेप्ट कर रहे हो किसी नए पाथ को एक्सेप्ट कर रहे हो तो लेट मी टेल यू कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है एक चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपका डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तो अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट ले रहे हो स्पेशली जो लोग कुछ नया कर रहे हो आप किसी का कुछ ऑफर ले रहे हो जॉब का ऑफ़र ले रहे हो रिलेशनशिप का ऑफ़र क्यों ना हो यहाँ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन uh, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उसके बाद थ्री ऑफ विंटर्स की एनर्जी है और प्रिंस ऑफ विंटर्स की एनर्जी है ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया है जहाँ पे आपको कुछ मैसेज मिला है कुछ रियलिटी चेक मिला है आप अपने इल्यूजन से बाहर आ रहे हो अक्टूबर में ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है इस पर थोड़ा सा अटेंशन डालिएगा आप किसी इल्यूजन से बाहर आ रहे हो इल्यूजन से बाहर आना मतलब कि आपको हो सकता है किसी की रियलिटी समझ में आ रही है किस इंसान के कैसे इंटेंशन है आपके लिए वो समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है वो समझ में आ रहा है विच इज़ अ हार्ड पिल टू सॉलो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचता है या फिर मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि इस सिचुएशन की रियालिटी ऐसी है तो दिस इज़ समथिंग जो थोड़ा सा आपको हर्ट करेगी बट देन आपको लिबरेट भी करेगी यू नो आपको एक फ्रीडम महसूस होगी कि फ़ाइनली मुझे सिचुएशन का सच पता चल गया या फाइनली मुझे ये पता चल गया कि मुझे लाइफ में करना क्या है फाइनली मुझे मेरा पाथ क्लियर हो गया Uh, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज मिल सकता है यहाँ पे कुछ यू uh, नो you know, ऐसी बात पता चल चल सकती है जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा धक्का लगेगा बट देन आप बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम और लिबरेटेड फील करेंगे यहाँ पे एक और मैसेज है कि कोई किसी के कोई एक्शंस अगर आपको हर्ट कर रहे हैं या फिर लाइफ की कोई सिचुएशन आपको हर्ट कर रही है तो यहाँ पे उस चीज़ को चाहे वो इमोशनल क्यों ना हो चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्यों ना हो वो हर्ट और उस पेन को अभी वक्त आ गया है कि आप प्रैक्टिकली हैंडल करें नाउ दिस इज़ द टाइम यू हैंडल इट प्रैक्टिकली अब इमोशनल मेचोरिटी के साथ हैंडल करें तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बड़ा ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मैसेज हो सकता है एरीज के अगर लाइफ में किसी किसी चीज़ की वजह से आप हर्ट हुए हैं तो उस सिटेशन को अब इमोशनल एंगल से मत देखिए प्रैक्टिकल एंगल से देखिए डू रिमेंबर कि आपका सच क्या है आप एरीज हैं और एरीज़ एक वॉरियर होते हैं वो फायर आप में बाय बर्थ होता है बट उस फायर को आप कभी कभी भूल जाते हैं um, आपकी लाइफ का ये एक ऐसा भी स्टेज है जहाँ पे आपको अपने पेन को अपने कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करना है अगर किसी टाइप का पेन है आपके अंदर तो वो पेन आपको पुश करेगा लाइफ में और बेटर बनने के लिए और बेटर करने के लिए आप इस पेन को यूटिलाइज कर सकते हैं इस दर्द को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर कोई दर्द आपको लाइफ ने दिया है तो तो उस पेन को उस एंगर को कि मेरे साथ गलत किया है किसी ने गलत बोला है या फिर जो मैं सोचती थी वैसा कोई इंसान नहीं निकला अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो दिस इज़ द टाइम कि उस एंगर को और पेन को आप चैनल करें एक वॉरियर स्पिरिट के साथ लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी को इंस्टाग्राम पे देख रही थी आई थिंक आप सबको देखना चाहिए देर इज़ अ गाय नेम्ड प्रखर प्रखर यस प्रखर आपके कार्ड्स देख के ये दोनों कार्ड्स देख के मुझे उसकी एक बात याद आ गई कि उसने ऐसा बोला था अपने uh, किसी वीडियो में इंस्टाग्राम की रील में कि अगर आपको लाइफ ने पेन दिया है अगर आपको लाइफ ने दर्द दिया है अगर आपको लाइफ ने ट्रॉमा दिया है तो आप उस ट्रॉमा को यू नो सक्सेसफुल होने में यूज़ करिए उस एनर्जी को सक्सेसफुल होने में यूज़ करो um, तो जब लाइफ हमें रॉक बॉटम पे लेके जाती है तो उस रॉक बॉटम जब हम हिट करते हैं तो वहाँ पे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है हमारे अंदर होता है एक सेंस ऑफ इनजस्टिस कि हमारे साथ गलत हुआ है और उस इनजस्टिस को आप कन्वर्ट कर सकते हो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ओके सो या आई डोंट नो मैंने ऐसे क्यों बताया बट किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है ओ राइट अवे सो राइट अवे वे टेन ऑफ समर्स ओ माई गॉड यहाँ पे टेन ऑफ समर्स आपका फर्स्ट कार्ड था यहाँ पे टेन ऑफ समर्स फिर से आया है और वो टू ऑफ कप्स के साथ में आया है वेलकम करिए सुंदर सी एनर्जी को आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को या फिर इस एनर्जी के लिए रेडी रहिए अगर ये एनर्जी अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आई है तो कोई कनेक्शन है जो आपको बहुत ही बहुत ही आप ब्लेस्ड फील करेंगे किसी कनेक्शन के लिए ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपका आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ कनेक्शन आपका आपके किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ कनेक्शन आपका आपकी फैमिली में जो कनेक्शन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस और इमोशनल फुलफिलमेंट दे रहा है ये बहुत ही सुंदर चीज़ है टेन ऑफ समर्स टेन ऑफ समर्स और यहाँ पे एक किसी के साथ में सुंदर सा कनेक्शन कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो चुका है इसीलिए दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट होने वाला है क्लेम दिस एनर्जी वेलकम दिस एनर्जी बी ग्रेटफुल फॉर दिस एनर्जी ऐसे कार्ड्स रेयरली आते हैं उसके बाद में यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है और किंग ऑफ वंस की एनर्जी है यहाँ पर दिख रहा है कि पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरे हैं अपनी लाइफ में यहाँ पे ये डिसअपॉइंटमेंट है डिसअपॉइंटमेंट है जो आपको आपको लाइफ ने दिया हुआ है डिसअपॉइंटमेंट है जो गॉड oh आई आई लव दिस बिकॉज अभी कुछ बहुत ही डीपर दिख रहा है यहाँ पर बहुत ही डीपर दिख रहा है बहुत ही डीपर दिख रहा है मुझे स्टार्टिंग से ही एक अंदाज़ा लग रहा था आपकी एनर्जीज को देख के कि पास्ट में यू हैव वेंट थ्रू सम प्रॉब्लम्स और कुछ ट्रामा भी हो सकते हैं कुछ बड़ा भी हो सकता है अभी देखिए यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स है ये तीन कप्स गिरे हुए हैं ये बता रहे हैं कि किसी सिटेशन ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है बट यहाँ पर टू ऑफ कप्स टू ऑफ कप्स यहाँ पे रखे हुए हैं और ये क्या है ये है टू ऑफ कप्स जो आपको फुलफ़िलमेंट दिख रहा है तो फुलफ़िलमेंट दे रहा है अब भी ये अगर हम चारों कार्ड्स देखें तो ये चारों कार्ड्स एक कहानी बता रहे हैं आपकी लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं कि देर वॉज़ अ टाइम जब आपने सोचा था कि लाइफ में सब खत्म हो गया अब कुछ अच्छा नहीं होगा चाहे ये कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट हो सकता है आपकी लाइफ का जैसे आपका करियर आपकी फ़्रेंडशिप्स आपके रिलेशनशिप्स आपकी फ़ैमिली में कोई मैटर कोई हेल्थ प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है तो फाइव ऑफ कप्स बता रहे कहीं पर हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं बट जो चीज़ आपने लूज की है जिस चीज़ से आप डिसंट हुए हैं पास्ट में जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया है उससे हज़ार गुना ज़्यादा बेहतर चीज़ अब आपको मिल रही है ऐसा नहीं कि वो चीज़ चली जाएगी हो सकता है वही चीज़ अच्छी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी गेटिंग मी तो यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स देख ये टू ऑफ कप्स ये अपॉर्चुनिटी ये हैप्पीनेस ये इतनी ज़्यादा बड़ी बन रही है आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस ये सक्सेस इतनी बड़ी बन रही है कि आप थोड़े टाइम बाद भूल जाएंगे कि आपके पास्ट में क्या शिट हुई है ओके okay? एंड इसमें आपका भी हाथ है किंग ऑफ वांस है किंग ऑफ वांस आपकी टिपिकल एनर्जी है किंगो फांस आपकी टिपिकल एनर्जी है ये एरीज़ हैं ओके ये एरीज़ के अंदर का फायर है दुनिया घूमने का एक्सप्लोर करने का लाइफ में कुछ बड़ा करने का तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही है नो मैटर लाइफ में क्या शिट हुई है यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो रहा है और इस अमेजिंग ये अमेजिंग एनर्जी जो आपकी लाइफ में आ रही हो उसमें आपका भी हाथ है आपका कॉन्फिडेंस आपका फेथ आपका बिलीफ ये सारी चीज़ें भी हैं और उसके बाद टेन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है और एट ऑफ वान्स की एनर्जी है यहाँ पे टेन ऑफ शॉर्ट्स अगेन पेन जो आपको मिला है लाइफ में जो बिट्रेयल आपको मिला है जो हर्ट आपको मिला है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और आप इस पेन से निकल रहे हैं एट ऑफ वन है एट ऑफ वन मतलब कि चीज़ें बहुत ही स्पीड से चेंज हो रही है देखिए आपके सारे नेगेटिव कार्ड पॉजिटिविटी में बदल रहे हैं टेन ऑफ समर्स मतलब पास्ट में आपको किसी ने पेन दिया है किसी ने बिट्रे किया है कोई सिचुएशन है जिसने बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई है एट ऑफ वांस ये कि अब आप बहुत ही जल्दी उस चीज़ से निकल रहे हैं तो अक्टूबर एक एनर्जीज के स्विच होने का मंथ भी है पुरानी एनर्जीज से नई एनर्जीज में नेविगेट करने का मंथ भी है जो चीज़ें पहले हर्ट करती थी अब उतनी हर्ट नहीं कर रही हैं बिकॉज लाइफ में और ज़्यादा बेटर चीज़ें आ रही हैं तो जो पेन है जो हर्ट है उससे एक ट्रांजिशन आप एक्सपीरियंस करोगे अक्टूबर में और क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस ट्रांजिशनल लग रहे हैं तो देर इज़ अ चांस कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप हर्ट हो आप डिसअपॉइंटेड हो बट देन आप कुछ टाइम में एक्सपीरियंस करोगे एट ऑफ वन बहुत ही स्पीड से एनर्जीज आपकी लाइफ की चेंज हो रही है तो यहाँ पे मुझे ये ट्रांज़िशनल मंथ दिख रहा है अक्टूबर टू बी ऑनस्ट जहाँ पे आप पेन से निकल के बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस और अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं उसके बाद में थ्री ऑफ़ पेंटिकल फिर से ओह माय गॉड तो हमने थ्री ऑफ़ पेंटिकल के बारे में बहुत ज़्यादा बात की थी क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आया था जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि आप अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर रहे हो अभी यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल फिर से आया है ओके okay, अब भी थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ में द वर्ल्ड आया है ये जो चीज़ आप लाइफ में कर रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी सक्सेसफुल होगी आपके लिए अभी तो आप पहली सीढ़ी ही चढ़ रहे हो धीरे धीरे करके और ज़्यादा आप इसमें ग्रो करोगे बट अभी से ही वो पहली सीढ़ी चढ़ के ही आप बहुत ही ज़्यादा लिबरेटेड और हैप्पी फील करो एट दिस पर्सन दिस पर्सन इज सो हैप्पी श्यू हैप्पी है ये क्योंकि यहाँ पे इसकी लाइफ में इसको समझ में आ रहा है कि पहली बार शायद लाइफ में ये कुछ बहुत ही ज़्यादा पर्पसफुल कर रहा है बहुत ही ज़्यादा यू नो मीनिंगफुल कर रहा है इसे पता है कि इसका फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि ये इसने ये चीज़ को बिल्ट करना शुरू कर दिया है राइट तो जो भी काम आप लाइफ में करने की कोशिश करो आपको हेल्प मिलेगी यूनिवर्स आपके फुल सपोर्ट में है आप देखोगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी आप देखोगे कि चीज़ें आपके फेवर में भी जाएंगी एक पल आप बैठ के ये सोच रहे थे कि अरे ये काम तो बहुत बड़ा है, ये होगा कैसे बट देन आपको मल्टीपल जगह से सपोर्ट मिल रहा है मल्टीपल जगह से आपको हेल्प मिल रही है आपने सोचा था कि ये काम मेरा अटका पड़ा है बट कहीं पता नहीं कैसे वो काम पूरे हो रहे हैं तो यू विल एक्सपीरियंस दिस एनर्जी अगेन अ नाइस एनर्जी उसके बाद में सफ कप है <laughs> और फोर ऑफ़ शॉर्ट्स है बहुत ही सुकून महसूस कर रहे हो आप देर इज देर इज़ लाइक सम काइंड ऑफ पीस मैं ना पता है आपकी जो पूरी ये जितने भी मैंने कार्ड्स निकाले हैं ना इनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ इन इमोशनल टर्म्स तो लेट मी थिंक अबाउट इट ये कैसी एनर्जी है ये ऐसी एनर्जी है कि यस yes, हमने लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स देखे हैं हमने लाइफ में तकलीफ़ें देखी हैं हमने शायद बहुत ही एक्स्ट्रा पेन देखा है हम शायद कहीं पे फेल हुए या फिर किसी ने हमें बिट्रे किया किसी ने हमें अबेंडन किया किसी ने हमें ट्रॉमा दिया ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो चुकी हैं ओके बट देन कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं हमारी लाइफ में जो कि हमें टेन टेन ऑफ कप्स टेन ऑफ समर्स टू ऑफ कप्स से जो रिप्रेजेंट करी कुछ ऐसी एनर्जीज हैं हमारी लाइफ में जिन्होंने वापस हमें लाइफ में उठने का मौका दिया उस दर्द से निकलने का मौका दिया ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें अभी हर्ट नहीं करती हैं जो पहले हुई थी ऐसा नहीं है कि उस चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती है बट ये जो पॉजिटिव एनर्जी लाइफ में आई है जो किसी पर्सन किसी फ्रेंड या यूनिवर्स की तरफ से आई है ये जो पॉजिटिव एनर्जी आई है इस एनर्जी ने मुझे हेल्प की है मेरी लाइफ को रीबिल्ड करने के लिए अब मैं एक सुकून महसूस कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में एक पीस महसूस कर रही हूँ मुझे पता है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है अगेन ज़रूरी नहीं है कि हर दिन मैं खुश रहती हूँ हर दिन मैं पीसफुल रहती हूँ कभी कभी मुझे फिर से पास्ट हॉन्ट करता है कभी कभी मेरे मेरे को फिर से बुरा लगता है कि इस इंसान ने ऐसा क्यों किया या लाइफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कई बार मेरी हिम्मत टूटती है बट फिर मुझे यूनिवर्स अपने पैरों पर पे खड़ा कर देते हैं फिर मुझे वो आ, लव कहीं से फील होता है फिर मुझे लगता है कि पूरी पूरा यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रहा है मुझे लाइफ में आगे लेके जाने के लिए कई बार मैं बहुत ज़्यादा लिबरेटेड फील करती हूँ कई बार मैं बहुत ज़्यादा खुश फील करती हूँ बट यस वो जो पेन है जो मुझे मिला है वो भी कई बार दिमाग में आता है बट इट्स ओके आई एम एक्साइटेड अबाउट माई फ्यूचर मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जब भी मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एक अजीब टाइप का सुकून मिलता है हैप्पीनेस मिलती है और मुझे समझ में आता है कि अब मेरी लाइफ एकदम बेस्ट डायरेक्शन में जा रही है आई डोंट हैव टू वरी अबाउट अ थिंग अभी भी अगर कोई मुश्किल आएगी मेरे रास्ते में तो मुझे पता है कि यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग मेरी लाइफ में जो सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पता है कि यूनिवर्स ने मुझे मल्टीपल सोर्सेज दिए हैं जिससे मैं किसी भी परेशानी को हैंडल कर सकती हूँ और इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा लव्ड फील कर रही हूँ मे बी लव्ड बाय द यूनिवर्स लव्ड बाय द पीपल अराउंड मी और एक अलग सा सुकून और हीलिंग मैं महसूस कर पा रही हूँ तो दिस इज़ योर अक्टूबर पीस है यहाँ पे ओके okay. चलिए अभी इसी पॉइंट पे ये डेक को ख़त्म करते हो और हमारी इस डेक को लाते थोड़े से प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रोडक्शंस करते हैं लेट्स सी ओके टेक केयर देर विल बी ओके तो यहाँ इज सेइंग के लाइफ में रिस्क लो बिल्कुल लो बट व्हेन इट कम्स टू योर मटेरियल वेल्थ कहाँ पे कितने पैसे लगाने तो बी लिटिल माइंडफुल पैसे कमाने से पहले पैसे खर्च मत करो बहुत ही ज़्यादा अपनी डिपेंडेंसी लोन्स पे और डेट्स पे मत रखो इफ यू आर समवन जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है आप बहुत ही सक्सेसफुल होंगे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बस इतना ध्यान रखना कि कोई रैशनल डिसीज़न नहीं लेना है उसके बाद है सीक्रेट एडमायरर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करता है एरीज और ये आपके आसपास ही है तो इसमें इन्हें ध्यान रखेगा कि कौन पर्सन है जो आपको अटेंशन दे रहा है वैलिडेशन दे रहा है आपकी तारीफ़ें कर रहा है बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली दे रियली लाइक यू दे रियली एडमायर यू फॉर हु यू आर तो सीक्रेट एडमायरर हैं हमारे एरीज की लाइफ में विच इज़ सो कूल ओके okay, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आया आपके लिए अक्टूबर आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे थे इतने टाइम से एनजाइटी से गुजर रहे थे आपको लग रहा था कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ़ है अक्टूबर एक आपके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा यहाँ से आपकी एनर्जीज चेंज होना शुरू होंगी डिप्रेशन की एनजाइटी की तो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो देवर सफरिंग या फिर कोई भी हेल्थ कंडीशन से अगर आप गुजर रहे थे फिजिकली भी कोई बीमारी कोई प्रॉब्लम थी तो आपके लिए अक्टूबर एक टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ पर आप इन सारी चीज़ों से निकलोगे कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी ओके तो तो अभी यहाँ पे यूनिवर्स हमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक चीज़ बता रहे हैं कि गुस्से से किसी भी सिचुएशन को हैंडल मत करिए है। किसी भी सिचुएशन को गुस्से से हैंडल नहीं करना है लाइफ की हर एक सिचुएशन को समझदारी से श्रूडनेस से हैंडल करना है फॉर से कि मेरा बॉस है मुझ पर चिल्ला रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है या फिर कोई भी पर्सन है जो मेरे साथ गलत कर रहा है मुझे इरिटेट कर रहा है तो उसको गुस्से में बोलना मैं तुम्हारे साथ ये कर दूँगी वो कर दूँगी गो टू हेल और तुम्हें वो मिलेगा जो तुम डिजर्व दो ये सब कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है और स्टार्टिंग में भी मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इमोशनल मेच्योरिटी के साथ आपको सिचुएशंस को हैंडल करना है इसका मतलब क्या है मतलब कि कोई अगर आपको ट्रिगर कर रहा है तो उसको राइट right अवे आपको रिस्पोंड करने की ज़रूरत ही नहीं है कोई आपको कुछ कर रहा है आपके साथ में गलत आपको उस पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है उसको चार बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लवर एक्स को लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुमने ऐसा किया तुमने वैसा किया डोंट रिएक्ट लाइक दैट इस चीज़ को ना इमोशनल मेचोरिटी में टर्न करो और ये देखो कि अगर कोई पर्सन मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं कैसे उसको जवाब दे सकती हूँ अपनी अकलमंदी से अपनी समझदारी से ग्रेसफुली ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को बर्दाश्त करो बट जो अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग है ना और कैसे रिएक्ट करना है कैसे बाउंड्री सेट करनी है किसी ने किसी आपके साथ में गलत किया तो कैसे उसको शो करना है कि भाई तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो ये गुस्से से आप नहीं कर पाओगे ये सिर्फ अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग और कम्युनिकेशन um, से कर पाओगे अपने ग्रेस से कर पाओगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बॉस है जो टॉर्चर कर रहा है और आपको गलत ट्रीट कर रहा है आपको लिटरली आपको परेशान कर रहा है हरास कर रहा है तो आप उसके मुँह पर चार बातें उसको सुना के सिटुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे यू हैव टू मेक अ प्लान ओके okay, ये पर्सन मुझे हमेशा ऐसे ट्रीट कर, करता है तो मुझे रिएक्ट नहीं करना है तुरंत मुझे सोचना है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ इस पर्सन को मैं कैसे सिखाऊं कि तुम्हें मुझे ढंग से ट्रीट करना पड़ेगा यू you नो know, या फिर क्या मुझे जरूरत है कि मैं दूसरी जॉब ढूंढूं क्या मुझे जरूरत है कि इस इंसान को मैं इग्नोर करूं तो एंगर से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा या तो कम्युनिकेशन से मिलेगा कि मैं आराम से कम्युनिकेट करूं कि देखो तुम जो करते हो ना ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी एंड आई एम वार्निंग यू इफ़ यू ट्रीट मी लाइक दिस तो ये 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 चीज़ें यू नो जो भी वॉट जो भी पर्सन है ये या फिर जो भी सिचुएशन है ये तो ग्रेसफुली uh, हैंडल करो मेचोरिटी के साथ हैंडल करो गुस्से से हैंडल मत करो कोई इंसान आपको सीरियसली नहीं लेगा अगर आप गुस्से में जाके कुछ कर रहे हो तो हमेशा एक ग्रेसफुल एक वाइस पर्सन को लोग सीरियसली लेते हैं एंड एरोगेंट बूस्ट ओके यहाँ तो यहाँ पर है कोई एरोगेंट पर्सन जो यू uh, नो you know, आपको बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रहा है और इसीलिए आपको गुस्सा आ रहा है इग्नोर दिस पर्सन या फिर अपनी समझदारी से हैंडल करो ओके okay, यहाँ पे आपको ऐसे बहुत मुझे ए आपकी लाइफ में फीलिंग आ रही है कि आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि लोग आपके अगेंस्ट है या फिर लोग आपको ढंग से ट्रीट नहीं करते या फिर कोई आपका भला नहीं चाहता इट्स ओके जस्ट इग्नोर देम या या तो समझदारी से हैंडल करो या उनको इग्नोर कर दो अपनी एनर्जी उस जगह मत ले जाओ आई एम लिविंग एग्जांपल ऑफ दिस फैक्ट एरीज के आप जब तक इन लोगों को अपनी एनर्जीज़ देते रहोगे ना आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे आपकी लाइफ नहीं सुधर पाएगी इफ़ यू आर समवन जो इससे लगता है कि उसकी ज़िंदगी स्टक है तो स्टक इसीलिए भी हो सकती है क्योंकि आप अपने थॉट्स में उन लोगों को के बारे में सोचते रहते हो इसने मेरे साथ ऐसा किया इसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए वैसा डोंट गिव डैम योर एनर्जी ये एनर्जी वेम्पायर्स है इवन अगर आप सोच भी रहे हो ना अगर आप सोच भी रहे हो कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया तो आप उन्हें अपनी एनर्जी दे रहे हो आप ड्रेंड महसूस करोगे किसी से नफरत फील करके हम खुद ड्रेंड महसूस करते हैं एंड यू आर गिविंग योर गुड एनर्जी टू दैम तो डोंट गिव योर एनर्जी क्योंकि आपकी लाइफ में है एनर्जी वेम्पायर्स ऐसी सिटेशन है आपकी लाइफ में ये कार्ड आना ये कार्ड आना ये कार्ड आना ये कार्ड आना ये सारे कार्ड्स ये शो करते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे एनर्जी वेम्पायर्स हैं जिनके बारे में आप सोचते रहते हो तो आप कुड़ कुड़ करते रहते हो वो आपको दिख जाते हैं आपका दिमाग ख़राब हो जाता है यू आर वेस्टिंग योर सो मच पोटेंशियल एंड गुड एनर्जी ऑन देम ओके डोंट डू दैट बर्थ और बर्थ ऑफ ए चाइल्ड और एन एंटरप्राइज तो ये कार्ड ऐसे बताता है कि अभी नई चीज़ों को बर्थ देने का बहुत अच्छा समय है अगर आप पेरेंट हैं और आप कंसीव करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा बट अगर आप कुछ नया भी लाइफ में करना चाहते हो बिजनेस जॉब दिस दैट तो भी टाइम बहुत ही अच्छा है आपके लिए कुछ भी नया करने के लिए अच्छा टाइम है पुराने को लेकर कुड़कुड़ करने के लिए बहुत ही बुरा टाइम है ओके अ जर्नी इधर और इधर फिज़िकल और मेंटल तो आप में से कुछ लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो या फिर लाइफ की एक नई जर्नी पे निकलते हुए दिख रहे हो टोटली नई जर्नी टोटली नया एक्सपीरियंस या फिर आप ट्रैवल किसी ऐसी जगह कर रहे हो जहाँ पे आप पहले गए नहीं हो यहाँ पे कुछ प्लान्स हैं आपकी लाइफ के जो अनसक्सेसफुल हुए हैं पास्ट में डू रिमेंबर अनसक्सेसफुल हुए हैं पास्ट में अब आपको उन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको एक नए सिरे से उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में सोचने की ज़रूरत है तो जो हो गया वो हो गया यूनिवर्स इज़ लाइक के सी जो हो गया वो हो गया अब आगे बढ़ो आगे के बारे में सोचो यंगर वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद यंगर वूमेन तो एक बहुत ही नाइव सी क्यूट या फिर स्टबन सी यंग एनर्जी आपकी लाइफ में दिख रही है कुछ लोगों के लिए ये आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है या फिर पार्टनर हो सकती है ये फैमिलिन एनर्जी है आपसे उम्र में छोटी है और स्टबन uh, है जो आपकी लाइफ में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आ सकती है बट बहुत ही सारा <laughs> बहुत ही सारा एक्साइटमेंट भी लेके आ सकती है आपकी सिस्टर हो सकती है तो कोई फैमिलिन एनर्जी है ओके okay. अपने करियर पे फोकस करिए यूनिवर्स से समहाउ टेलिंग यू अपने करियर और फाइनेंसिस को ग्रो करने पे आपका फोकस अभी बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए अ गोल ओरिएंटेड पर्सन अपने गोल सेट करिए अगेन अक्टूबर एक बहुत ही अच्छा मंथ है जो यू you ना know, आपको गोल्स अपने सेट करने चाहिए अक्टूबर में अक्टूबर आया सो <laughs> सी so, uh, so, गोल ओरिएंटेड पर्सन नए साल के आने का इंतजार मत करो अभी से अपने गोल सेट करना शुरू कर दो कि लास्ट दो कार्ड्स क्या है इंक्रीज़ योर एफर्ट्स इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल्स इंक्रीज योर एफर्ट्स तो यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं कि और ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है अपने गोल्स अचीव करने के लिए यू आर नॉट डूइंग इनफ मे बी यू आर थिंकिंग इनफ मे बी ड्रीम्स बड़े हैं मे बी चीज़ें बड़ी करनी है, बट एफर्ट जो है वो काफ़ी कम है, तो यहाँ पे यूनिवर्स इज़ जस्ट टेलिंग यू जितने भी लोग हैं जिनको पता है उन्हें लाइफ में क्या करना है तो यूनिवर्स आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि उन सब चीज़ों की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस आपको करने की ज़रूरत है ओके okay? उसके बाद स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा न्यूनेस है आपकी एनर्जी में बट पुरानी एनर्जीज़ भी हैं ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नई एनर्जी और पुरानी एनर्जी आपस में मिल रही है आपके लाइफ की तो बहुत ज़्यादा न्यूनेस आप फील करोगे बट देन पुरानी चीज़ें भी आपको हॉन्ट करेगी काफ़ी मिक्स मिक्स बैच ऑफ एनर्जीज दिख रहा है अक्टूबर में अब हम उस पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे हम आपके लिए प्योर गाइडेंस देखेंगे यूनिवर्स की ओके माई एरीज लेट्स सी के यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं गाइडेंस में भी मल्टीपल गाइडेंस आएंगी तो आपको ध्यान रखना है कौन सी गाइडेंस आपके लिए है और कोई गाइडेंस अगर अभी सेंस भी नहीं बना रही है तो अगेन आप उसको लिख सकते हो कि आगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो टेकिंग शेल्टर द आंसर्स आर विद इन सो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग सा कार्ड है टेकिंग शेल्टर द आंसर्स आर विद इन बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जिन चीज़ों के आप आंसर्स ढूँढ रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ मेरे साथ ये मेरी लाइफ में सिचुएशन क्यों आई हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है उन सारी चीज़ों के आ, जवाब आपके खुद के अंदर हैं आप जानते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ आप जानते हो कि ये सिचुएशन क्यों अराइज़ हुई आप जानते हो कि बार बार ये चीज़ें क्यों रिपीट होती हैं यू ऑलरेडी नो डीप डाउन आपको पता है कि चीज़ें ऐसी क्यों हुई हैं आपके साथ में शायद कोई पैटर्न है आप रिपीट कर रहे हो, शायद कोई लेसन है आपको लर्न करना है यू you नो know, शायद आपको पहले से ही पता था कि अगर मैं सिचुएशन में रही तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है फॉर से के, फॉर एग्ज़ाम्पल के फॉर से कि आप किसी फ्रेंड्स ग्रुप में हों ओके okay? और उस फ्रेंड्स ग्रुप में काफ़ी टाइम से लोग आपको पुअरली ट्रीट कर रहे थे कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा था स्टिल आप उन्हीं लोगों के साथ उठ रहे थे बैठ रहे थे यू नो बिक आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे कि हाँ ठीक है ऐसा वैसा बट देन कोई ऐसा इंसिडेंस होता है जहाँ पे आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ बहुत ही अनफेयर किया है आप डिजर्व नहीं करते हो कि कोई इंसान आपको ऐसा ट्रीट करे और आप यूनिवर्स को पूछते हो मेरे साथ ऐसा क्यों वहाँ पर लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं तो शायद उसका आंसर आपके पास ही है कि लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं क्योंकि मैं उन्हें करने देती हूँ लोग, लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं क्योंकि मैं मैंने एक बाउंड्री सेट नहीं की है लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये लोग ऐसे हैं मेरे को मेरे को ठीक से ट्रीट नहीं करते तो मैं क्यों उन लोगों के साथ रहती थी क्यों उठती बैठती थी ऑब्वियसली इन लोगों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं ये कुछ भी हो सकता है यूनिवर्स इज लिटरली आप जो भी पूछ रहे हो उसके आंसर्स ऑलरेडी हैं आपके पास में अब इस कार्ड से जो दूसरा मैसेज आता है वो आता है टेकिंग शेल्टर जितने भी लोगों को लगता है कि वो लाइफ में अकेले हैं उनके पास में कोई सपोर्ट नहीं है बहुत सारी जिम्मेदारियाँ है, है, हैं ड्रीम्स हैं प्रॉब्लम्स हैं जिनसे निकलना है बट कोई है नहीं साथ में यूनिवर्स इज लिटरली टेलिंग यू कि अभी आपका सहारा यूनिवर्स है आपके भगवान हैं आपके डेटी हैं जिसमें भी आप बिलीव रखते हो आपकी गार्जियन एंजल्स हैं आपके हायर सेल्फ हैं तो उन लोगों में अपना शेल्टर ढूंढिए ना कि किसी बाहर के इंसान में ठीक है तो यहाँ पे यूनिवर्स ने अपने एकदम यूनिवर्स इज़ लिटरली वेटिंग फॉर यू कि कब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना शुरू करोगे कब आप सरेंडर करना शुरू करोगे तो यूनिवर्स आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब उनमें अपना सपोर्ट ढूंढें उनमें अपना शेल्टर ढूंढें तो अगर जहाँ जिससे कहीं भी शेल्टर नहीं मिल रहा है उसे यूनिवर्स में शेल्टर मिलेगा ओके ये ये ज़िंदगी भर याद रखना कोई सपोर्ट नहीं है तो यूनिवर्स आपके गार्जियन एंजल्स आपके deities, आपके ones, आपके पास्ट ऑन वंस इंसिस्टर्स हमेशा रहते हैं हमेशा बस फील करने की जरूरत है दे आर ऑलवेज देयर ओके मैं पता नहीं क्यों इम्फोसाइज कर रही थी इस चीज पे होल्ड द कोर्स दिस इज वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट कार्ड क्लियरली लिखा हुआ है Staying फोकस्ड क्या करना है हमें हमें फोकस रहना है होल्ड द कोर्स जो चीज़ हमने अपने लिए डिसाइड की है क्या होता है कई बार हम डिसाइड कर लेते हैं ये मेरी लाइफ का गोल है अब मैं सिर्फ यहीं पे फोकस करूंगी अब मैं यही करूंगा बट फिर हम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं हमारा ध्यान इस पे जाने लगता है उस पे जाने लगता है लोगों पे जाने लगता है अननेसेसरी सिचुएशन पे जाने लगता है नेगेटिव थिंकिंग पे जाने लगता है इन सारी चीज़ों में ओके okay, मेरे इंट्यूशन ने पहले आपको कुछ बताने को कहा है क्या था क्या था क्या था ओके रिलेटेड टू दिस ओ माई गॉड दिस इज दिस इज मेरास सो ये ये वाला कार्ड तो यूनिवर्स ने क्या बोला है ओके okay, यूनिवर्स ने क्या बोला है लेट मी पुट इट इन वर्ड्स हाँ तो फियर, एनजाइटी फ्यूचर का डर कुछ गलत हो जाएगा इसका डर मेरी लाइफ अच्छी होगी कि नहीं उसका डर मेरे डिजायर्स पूरे होंगे कि नहीं उसका डर या तो ये चीज रह सकती है या तो फेथ बिलीफ रह सकता है यूनिवर्स पे दोनों चीज साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती या तो आप इस चीज पे भरोसा करो कि मैं अपने दृढ़ निश्चय से अब यहां पे दो पॉइंट्स हैं दो पॉइंट्स हैं लिसन टू तो मी वेरी वेरी केयरफुली दिस इज माई इंट्यूशन दिस इज नॉट इवन दिस कार्ड ओके दिस इज माई इंट्यूशन सो एक जगह पे फॉर से इतनी एनर्जेटिक स्पेस है इस जगह पे या तो आप अपना डर डाल दो नेगेटिव थिंकिंग डाल दो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा फ्यूचर में कुछ नहीं है मेरी लाइफ होपलेस है मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है मेरा सब लुट गया सब बर्बाद हो गया या तो ये एनर्जी रह सकती है या तो ये एनर्जी रह सकती है कि मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है मुझे खुद पे पूरा भरोसा है मुझे खुद की काबिलियत पे पूरा भरोसा है मुझे यूनिवर्स पे ट्रस्ट है मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ कि मेरे यूनिवर्स मेरे भगवान मेरे गॉड मेरे गार्जन एंजल्स मेरे साथ इतना ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं मेरा फ्यूचर इतना अबंडेंट होने वाला है मेरा फ्यूचर इतना पॉजिटिव होने वाला है कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी कि यार इसके साथ ये कैसे हो गया ये इंसान तो टूटा हुआ इंसान था इसके साथ इतना अच्छा कैसे हो गया या तो वो फीलिंग रह सकती है या तो डर भय ये सारी फीलिंग रख सकती है दोनों चीज़ें एक साथ जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है तो या तो आज से डिसाइड करो कि मुझे यूनिवर्स पे फेथ है मुझे यूनिवर्स पे भरोसा है नो मैटर लाइफ कितनी भी अप हो आई ट्रस्ट इन द यूनिवर्स मुझे पता है कि चीज़ें मेरे फेवर में जाएंगी अब ये भरोसा रखने के साथ में खुद पर भरोसा रखना भी इम्पोर्टेंट है ओके okay, यूनिवर्स पे भरोसा रखते टाइम फेथ रखते टाइम खुद पे भरोसा भी रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 50 परसेंट पॉजिटिव चीज़ें यूनिवर्स करेंगे अपनी लाइफ आपकी लाइफ में पर 50 परसेंट पॉजिटिविटी आपको लानी पड़ेगी 50 परसेंट मेहनत आपको करनी पड़ेगी आपको वो करना पड़ेगा जो आपको करना है आपको अपने टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे आपको अपनी अफॉर्मेशन बोलना है आपको अपने गोल्स सेट करना है रोज़ सुबह उठ के अपनी जिंदगी के लिए काम आपको करना है तो 50 परसेंट ये यूनिवर्स पे फेथ और 50 परसेंट अपने आप पे फेथ और जब आप अपने आप पे फेथ करने लगोगे यूनिवर्स आपको हेल्प भेजते रहेंगे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भेजेंगे डिटर्मिनेशन भेजेंगे वो एनर्जी भेजेंगे जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को बदल सको बट इफ़ यू आर सराउंडेड बाय डाउट्स एंड फियर्स एंड दिस एंड दैट तो नहीं हो पाएगा शुरू करो 50% परसेंट यूनिवर्स से फेथ रखने के लिए चलो आपको जो 50% करना है मत करो स्टार्टिंग में जस्ट हैव दिस अनशेबल फेथ कैन नो मैटर वॉट मेरी लाइफ नो मैटर क्या चल रही है क्या परेशानी क्या दिक्कत आ गई है नो मैटर वॉट आई ट्रस्ट इन द यूनिवर्स मेरे को पूरा फेथ है मुझे पूरा ट्रस्ट है मैं बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि बिलीव आप उस चीज़ पर करते हो जिस पर आपको डाउट होता है क्या आप कभी इस ऐसा बोलते हो किसी को कि मैं बिलीव करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स हैं नहीं क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं आई नो मेरे पेरेंट्स हैं तो आई नो मेरे साथ अच्छा होगा मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि मेरे साथ अच्छा होगा आई नो मेरे साथ अच्छा होगा आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी चीज़ है उसके लिए आप कभी बिलीव वर्ड यूज़ करते हो क्या आई बिलीव के मेरे पास फ़ोन है नो आई नो मेरे पास फ़ोन है तो आई नो मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है सब अच्छा होगा मेरे को पता है ये चीज़ तो ये जो अपना जो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड है इसको रीप्रोग्राम करो थोड़ा सा थोड़ा अपने लाइफ में थोड़ा अलग तरीके से ज़िंदगी को देखना और फिर ऐसी भक्ति ही क्या क्या स्पिरिचुअल हैं क्या टैरो रीडिंग पे आ रहे हैं हम अगर हमें भरोसा ही नहीं है तो अगर हमें पता ही नहीं है तो क्या ही मतलब है टैरो रीडिंग देखने का क्या ही मतलब है स्पिरिचुअल होने का तो अब स्पिरिचुअल हो तो हंड्रेड परसेंट हो जाओ जब वो भक्ति है आपके अंदर वो डिवोशन है वो फेथ है तो फिर वो हंड्रेड परसेंट होना चाहिए ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए कि ओ पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा नो 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 दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो पाएंगी अब टॉकिंग अबाउट दिस कार्ड ये कार्ड बोलता है लेजर फोकस रखने के लिए अब मैंने आज गोल सेट किया एक दिन मैंने रियलाइज किया कि सब कुछ फालतू है मुझे तो पैसे कमाने हैं दुनिया में सब फालतू है अब देखो ये जब चीज़ें अंदर से आती है ना तो एक रीजन की वजह से आती है बट जरूरी नहीं है कि हर कोई ये आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो सबको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है बट कुछ ना कुछ आपके भी गोल्स होंगे आपको पता होगा बिकॉज आपका और आपकी सोल का वो कम्युनिकेशन हो चुका है तो आपको पता है कि आपके गोल्स क्या है किसी दिन आप सुबह उठे थे और एग्जाम्पल के तौर पे मैं पैसा बोल रही हूँ आप लोग के लिए अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना भी हो सकता है आपके लिए दुनिया को सर्व करना भी हो सकता है ह्यूमैनिटी को सर्व करना भी हो सकता है आपके लिए यू you नो know, एक अच्छी लाइफ जीना भी हो सकता है आपके लिए कोई एग्जाम निकालना भी हो सकता है आपके लिए फेमस होना भी हो सकता है नो मैटर वो चीज़ क्या है बट मैं पैसों से लेके आपको बता रही हूँ ठीक है मैं एग्जाम्पल पैसों का दे रही हूँ फॉर से दिन मैं सुबह उठी और मैंने सुबह नहीं उठी लाइक like कभी उठी मतलब कि आई एम अवेक तो नॉट नेसली उठी, उठी उठी बट आई एम अवेक मेरी आंखें खुली किसी दिन और मुझे रियलाइज हुआ कि यार सब फालतू है मैं बस टाइम वेस्ट कर रही हूँ अब ये फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप्स के चक्कर में पढ़ के रिलेशनशिप्स के चक्कर में पढ़ के रिलेटिव्स की भसड़ में पढ़ के मैं बस टाइम वेस्ट कर रही हूँ ये सब कुछ फालतू है मेरे को तो पैसे कमाने हैं अब ये मेरे दिमाग में एक थाट आया आज आया मेरे दिमाग में थॉट शायद मैं इंस्पायर्ड रही थोड़े दिन कि ये करूँगी एग्जाम दूंगी ऐसा करूँगी इंटरव्यू दूंगी बिजनेस खड़ा कर दूंगी सीखूंगी सब कुछ बट देन थोड़े दिन बाद क्या हुआ मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट होने लग गई फिर किसी फ्रेंड से झगड़ा हो रहा है इसकी लचाणी चल रही है उसकी चल रही है रिलेटिव्स ऐसा कर रहे हैं मम्मी पापा डांट रहे हैं ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं लव लाइफ में क्योस चल रहा है मेरे को मेरा बॉयफ्रेंड रिप्लाई नहीं कर रहा है मेरी शादी का क्या होगा तो व्हाट आई एम डूइंग इसके मुझे पता चल गया था एक दिन कि मुझे पैसे कमाने हैं बट देन आई एम अगेन डिस्ट्रैक्टेड तो खुद खुद को फिर से उस लेवल पे लेके आओ कि नहीं ये मुझे पता था कि मुझे ये अचीव करना है पर मैं फिर से भटक गई अब फिर से अपना फोकस उस चीज़ पे लेके आओ होल्ड द कोर्स उस कोर्स को होल्ड करो एक इंसान जब अब रनिंग कर रहा है तो वो उसका एक पाथ होता है ना वो एक लाइन होती है जिसमें उसको भागना होता है वो ऐसे लाइन से निकल के इधर नहीं जा सकता उधर नहीं जा सकता उसको अपना लेज़र फोकस बना के रखना पड़ता है तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड करवा रहे हैं आज फिर कि भाई ख़ुद से क्या प्रॉमिस किया था क्या बनना चाहते थे क्या करना चाहते थे खुद को याद दिलाओ वापस और उस, उस पाथ पर वापस से चलना शुरू करो इन्फानाइट अबंडेंस डोंट वरी इस डेक में रिवर्सल नहीं लिए जाते हैं इन्फेनाइट अबंडेंस अबंडेंस इज़ पोरिंग इन टू योर लाइफ ऑलरेडी यूनिवर्स आपकी लाइफ में अबंडेंस भेज रहे हैं ऑलरेडी हेल्प भेज रहे हैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं जितना अच्छे पे फोकस करोगे और ज़्यादा अबंडेंस मिलता जाएगा तो अपना फोकस क्या परसेप्शन है उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करता है ग्राउंडिंग का कार्य यहाँ ग्राउंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राउंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है जब भी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है ओवरवेलमेंट फील हो रहा है लाइफ बहुत सारा टॉर्चर दे रही है आपको लाइफ में तब बहुत ही जरूरी है नेचर में जाना जर्नलिंग करना मेडिटेशन करना अपने आप को वापस उस कामनेस से कनेक्ट करना डिवाइन से कनेक्ट करना तो लाइफ ओवरवेलमिंग लग रही है इधर से ये ये मसला हो गया वो मसला हो गया लाइफ में ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया घर में झगड़े हो गए जो भी चल रहा है डिसअपॉइंटेड हूँ डिस हो हूँ जर्नलिंग करो नेचर में जाओ एक्सरसाइज करो ये सारे यूनिवर्सल टूल्स हैं अपने आप को वापस से डिवाइन से कनेक्ट करो जब डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे ग्राउंड कर लोगे तो उसके बाद में रास्ता क्लियर दिखने लग जाएगा बहुत सारी टाइम हम स्टक इसीलिए इसलिए रहते हैं कि हम यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं, नहीं हैं अपने आप से कनेक्टेड नहीं हैं अपने आप से कनेक्टेड होने के लिए लोगों से दूर जाना पड़ता है म्यूज़िक सुनो यू नो एक्सरसाइज करो मेडिटेशन करो जर्नलिंग करो अपने आप के साथ में बैठो अपने गोल्स बनाओ इस तरीके से यूनिवर्स से कनेक्शन फिर से बनेगा हम्म hmm? तो ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक like कर दीजिएगा कॉमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ सी यू नेक्स्ट टाइम बाय